सब कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी कमजोर होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ताओं को नहीं टिकट दिया जाता है और अंदर में टूट है, गुटबाजी है, इसलिए बीजेपी यहाँ लगातार जीती रही। ये झूठ बोलते हैं, गलत बात है। कांग्रेस एक मजबूत है, सभी जातियों को लेकर चलती है। कांग्रेस में अभी उम्मीदवार बहुत मजबूत उम्मीदवार है, कम मतों से भी पराजित हुए हैं। पिछली बार पंच सिर्फ 4500 से ही पराजित हुए हैं और कांग्रेस मजबूत है। इस बार कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी, क्योंकि 15 साल में शंकर सिंह जी ने कोई काम नहीं किया। ब्यावर में बीजेपी का सभापति है, उन्होंने कब इतनी सड़कों की हालत खराब हो रही है, शहर के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इस बार ब्यावर विधायक जी ने काम नहीं किया क्या? ऐसा विधायक जी ने काम नहीं किया क्या? बताइए। जहाँ MLA साहब का ऑफिस है ना, ये मेरे भाई बहन कह रहे हैं विकास हुआ, वो हुआ, इनकी बात सब सहमत है। शंकर सिंह की जहाँ ऑफिस है ना, उससे 3 कदम आगे देख लो सड़क का क्या हाल है। बस यही निवेदन। क्या कौन जवाब देंगे सर? आरोप ये लगा रहे हैं कि शंकर सिंह जी ने विकास नहीं किया, लेकिन हम बतावें कि जब कांग्रेस ये कहती है कि विकास नहीं किया, तो जब 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी तो विधायक के ज़्यादा तो ये अपने कांग्रेस के होने के नाते भी तो काम करा सकते थे। कांग्रेस ने कौन सा बजट यहाँ दिया ब्यावर में? एक बजट जो कांग्रेस ने विधायक के अनुशंसा के बाद भी सड़कें नहीं दी यहाँ पे। मेरा यही कहना है सर, वार्ड नंबर 35 और 34 भवानी कोलानी ब्यावर, उसके अंदर आप वार्ड नंबर अलग बांटे हुए हैं, जैसे कि 34 और 35, एक में कांग्रेस है और एक में कमल का फूल है, मतलब भाजपी। अब इनको पूछोगे हम किस किस के पास जाए गली के? कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में आम जनता पिस रही है जी। ऐसा है, कहते हो कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन MLA साहब का विकास हुआ है। MLA साहब का विकास हुआ है सर, MLA साहब का विकास हुआ है, है ना? तो MLA साहब का विकास होता तो फिर वही क्यों जीतते लगातार? आप जीत जाते नहीं उसके पीछे तो कांग्रेस जीत जाती ना फिर? नहीं, कांग्रेस तो जीती है, हर जगह तो जीती रही है ना कांग्रेस। ब्यावर मैं कह रहा हूँ, ब्यावर में आप साहब 1998 से खाता नहीं खुलाया। अब की बार 100% कांग्रेस विजयी रहेगी यहाँ से। हेलो, हाँ बोलिए साहब। जेतपुरा गांव में भी जहाँ अपने वो अपने पानी जा रहा है, वहाँ पानी नहीं आ रहा, गुंदा के बाड़िया और रेला और पीपलिया में पानी नहीं आ रहा। विधायक जी से शिकायत की थी, विधायक शिकायत की तो भी कोई सुनाई नहीं हो रही जेतपुरा गांव में। ये ब्यावर के अंदर विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या मतलब वो धरातल पर नहीं हो रहा है, धरातल में पब्लिक के पास ही हो। पब्लिक जिता क्यों रही है फिर विधायक? पब्लिक इसलिए जिता रही है क्योंकि ये रावत बहुल्य सीट है और यहाँ पर क्या है, रावत ही विधायक बनता है और रावत के सामने रावत को ही टिकट मिलना चाहिए था, तो अगर गलत प्रत्याशी वो दे देते हैं भाई, ये गुड बाय जी है पायलट। आपको लगता है जाति का प्रभाव हो जाता है? जाति का प्रभाव होता है, जाति के प्रभाव से जीतते हैं क्या? हाँ बताइए बताइए। शंकर सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ से, मगरा क्षेत्र से भी। ये कह रहे हैं काम नहीं किया, काम क्या साहब, टेट जंगल में वहाँ तक तो विसलपुर का पानी पहुँचा दिया और काम कैसे नहीं किया साहब? गलत है, बिहार का कोई विकास नहीं हुआ, बिहार का कोई विकास नहीं जी, नहीं है, सब जाति का मामला, बाकी विकास ब्यावर का। ये कह रहे हैं सब जाति का मामला है, ब्यावर का कोई विकास नहीं हुआ, सब जाति का मामला है। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत ने ग्रामीणों के लिए 249 करोड़ रुपए का बजट लाके पानी की गंगा बहा दी है, सबसे बढ़िया काम किया है, इसके मुकाबले कोई काम नहीं हुआ है। हाँ आप सवाल पूछो, ब्यावर में कितना विकास हुआ, क्या मुद्दा है ब्यावर के अंदर? अब यार आप ही समझते अंधे को इशारा ही काफी चले जाओ। अब अगर विकास हुआ है तो अब की बार भी विजयी होना चाहिए ना। अब की बार ब्यावर की जनता ने बिल्कुल ठान लिया है कि कांग्रेस ही यहाँ से विजयी होगी। कहा ब्यावर में अभी बीजेपी की लहर है कि कांग्रेस की लहर है? ब्यावर में किसकी लहर है, बीजेपी की लहर? आप लोग मेरा एक निवेदन है, सुनो एक मिनट, मेरा एक निवेदन है ब्यावर के अंदर, मेरा एक मिनट, मेरा मोदी 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 मोदी, अब मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है ब्यावर के अंदर जब विधायक थे देवी शंकर जी भूतड़ा, ये सारे सर्कल और सड़कें उस टाइम ही बनी थी और आज भी शंकर सिंह जी ने ग्रामीण क्षेत्र में जल और जीवन जिले के लिए
उन्होंने संघर्ष किया। 299 गांव में आज उन्होंने जल पिलाया, पानी पी रहे हैं सारे। और कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई विकास नहीं हुआ? विकास आप देखो, सड़कें कितनी बनी, पहले बहुत हालात खराब थी। आज 70 साल से सुना, 70 साल से राज कर रहे थे कांग्रेस, 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, मेरी बात सुनो। 20 साल अभी मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन काम हुआ कैसे नहीं हुआ काम? आप सड़कें देखो गांव में जाके कैसे नहीं बनी। हमारे हालत देखो, अभी खराब हो रही है, अभी हालत खराब है। चांगेर देखो, चांगेर के अंदर देखो हालत खराब हो रही है सड़कों की, सब तरफ से बहुत खराब हो रही है। सड़कों की हालत बड़ी खराब है। और मैं इस बार कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी, पारस पंथ जीतेगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। आप